शरीर को त्यागने के साथ सभी लोगों के हृदय की गति भी शांत हो जाती है, लेकिन यह अपने में अनोखा रहस्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने शरीर तो त्याग दिया लेकिन उनका हृदय आज भी धड़क रहा है। सुनने में यह पता लग सकता है, लेकिन पुराणों में दी गई जानकारी और कुछ घटनाओं से आप भी इस सत्य के आगे नतमस्तक हो सकते हैं। आइए जानते हैं कहाँ आज भी धड़कता है श्री कृष्ण का हृदय। कथा मिलती है जब भगवान श्री विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो यह उनका मानव रूप था। सृष्टि के नियम अनुसार इस रूप की मृत्यु भी तय थी। ऐसे में महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण ने देह त्याग कर दिया, लेकिन जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि को समर्पित हो गया, लेकिन उनका हृदय था जो धड़क ही रहा था। अग्नि ब्रह्मा के हृदय को जला नहीं पाई। पांडव इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्मा का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दे। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लट्ठे का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुँच गया। उसी रात वहां के राजा इंद्रधूम्न को श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि वह एक लठ के रूप में समुद्र तट पर स्थित है। सुबह जागते ही राजा इंद्रधूम्न ने भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई जगह पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने लठ को प्रणाम किया और उसे अपने साथ ले आए। इस लट्ठे से ही भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा भी जी की मूर्ति का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया। भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनाई जाती है और हर 15 और 19 साल के बाद इसे बदल दिया जाता है। इसे नव कलेवर और पुनर्जन्म के नाम से भी जाना जाता है। जब भी यह रस्म निभाई जाती है उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के कलेवर को बदलते हैं। इस समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में कपड़े लपेट दिए जाते हैं। कहते हैं इस मूर्ति के नीचे आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। भगवान कृष्ण का हृदय बदलते समय आंखों पर पट्टी, हाथ में दस्ताने और पूरे शहर की बिजली गुल करने के पीछे यह मान्यता है कि अगर किसी ने गलती से भी उसे देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही वजह है कि नव कलेवर की रस्म निभाने से पहले पूरी सतर्कता बरती जाती है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी बताते हैं कि जब भी यह प्रक्रिया होती है तो उस समय ऐसा लगता है जैसे कलेवर के अंदर खरगोश फुदक रहा हो। हालांकि हाथों में भी कपड़े बंधे होते हैं तो बहुत साफ साफ कुछ पता नहीं चलता है। तो कैसी लगी ये आपको जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।